हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विधि की पाठशाला एंड वंस अगेन माय सेल्फ डॉक्टर वत्सला शर्मा हेयर। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज स्टेट एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन जुरिस्प्रूडेंस। लेकिन देखिए, यहाँ पर एक बात ये और आती है कि आखिर जुरिस्प्रूडेंस यानी कि विधि शास्त्र में राज्य के बारे में जानना और समझना क्यों जरूरी है। तो देखिए, इसके पीछे रीज़न ये है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जुरिस्प्रूडेंस में हम स्टडी ऑफ लॉ यानी कि लॉ क्या है, लॉ कैसे बना, इन सभी के बारे में बातों के बारे में जानते हैं। लेकिन उस लॉ को बनाता कौन है, वो लॉ एप्लीकेबल कहाँ पर होता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, स्टेट। तो इसीलिए हमें स्टेट को जानना बहुत ज़रूरी है। एंड जब हम बात करते हैं लॉ एंड स्टेट की, तो देर इज़ अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड स्टेट। यदि हम लॉ के बारे में कहें तो स्टेट के बिना लॉ का कोई भी स्वतंत्र अस्तित्व, उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, क्योंकि यदि स्टेट नहीं होगा तो लॉ को कौन बनाएगा। अब यहाँ पर जब हम स्टेट के बारे में बात करें तो कहा जाता है कि दैट स्टेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीगल इंस्टीट्यूशन एंड ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ ह्यूमन सोसाइटी द ग्रेटेस्ट इज द स्टेट। यानी कि जितने भी ह्यूमन सोसाइटीज़ हैं उनमें सबसे सर्वोपरि क्या है, तो वो राज्य ही है। एंड इट इज़ सेट टू बी द सोर्स ऑफ ऑल लॉज, अथॉरिटी एंड पावर। यानी कि जो भी विधि बन रही है तो उन सब के पीछे जो भी सोर्स है, जो भी पावर है, वो कहाँ से आ रही है, वो सारी चीज़ें लॉ से ही निकल करके आ रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखिए बात करते हैं कि मीनिंग ऑफ स्टेट क्या है। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ कि यदि हम लीगल एक एक्सप्लेनेशन से देखें तो स्टेट शब्द को सबसे पहले मैकियावेली ने यूज़ किया था। अब जब हम स्टेट की बात करते हैं कि स्टेट वर्ड का मीनिंग क्या है, तो देखिए द एक्सप्रेशन स्टेट इज़ ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस। स्टेटस वर्ड हम सब ने सुना हुआ है और इसका मीनिंग होता है स्टैंडिंग, दैट इज पोजीशन ऑफ अ पर्सन और ए बॉडी ऑफ पर्सन। यानी कि स्टेटस यानी कि जिसको कि हम कह सकते हैं प्रायस्थिति। हम लोग अक्सर बात करते हैं ना कि किसी पर्सन की समाज में क्या स्टेटस है किसी पर्सन का, तो कहीं ना कहीं स्टेटस वर्ड किसी पर्सन की पोजीशन को बताता है और उसी स्टेटस से ही स्टेट वर्ड निकल करके आया है। जब हम स्टेट की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं और जो जूरिस्ट हैं, उन्होंने स्टेट को अपने अपने तरीके से डिफाइन किया है और इसीलिए स्टेट की कोई एक डेफिनेशन दे पाना पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर ऐसे थे जिन्होंने स्टेट को एक पब्लिक वेलफेयर के लिए पूरा एक अरेंजमेंट माना, इसको एक शक्तिपुंज यानी कि इसको एक पावर ओरिएंटेड इसको माना। लेकिन बहुत सारे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल थिंकर ऐसे भी थे जिनका ये कहना था कि स्टेट एक इविल, एक बुराई है, यानी कि ये राज्य में रहने वाले लोगों की स्वतंत्रता पर, उनकी फ्रीडम पर रोक लगाती है। बट इसके बाद में भी स्टेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और स्टेट पब्लिक वेलफेयर के लिए अपना पूरी तरीके से एक डिवोटेड होके स्टेट अपना पूरी तरीके से अपना रोल प्ले करता है और पब्लिक वेलफेयर स्टेट के थ्रू ही किया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं स्टेट की इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन क्या क्या हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ स्टेट गिवन बाय वुड्रो विल्सन, जो कि भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति थे। एंड ही डिफाइंड स्टेट एज अ पीपल ऑर्गेनाइज्ड फॉर लॉ विद इन अ डेफिनेट टेरिटरी। यानी कि इनका कहना ये था, एक निश्चित भूभाग पर कानूनी रूप से संगठित किसी जन समुदाय को राज्य कहा जाता है। बट इनकी डेफिनेशन पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं थी, क्योंकि इसमें स्पेशली केवल एक टेरिटरी के बारे में तो बताया गया, बट और बहुत सारी चीज़ें जो कि बाद में स्टेट के एसेंशियल एलिमेंट के रूप में आई
उनके बारे में प्रॉपरली यहाँ पर नहीं बताया गया था। सेकेंड हम बात करने जा रहे हैं सालमन की डेफिनेशन की, एंड सालमन का नाम हम सभी ने जुरिस्प्रूडेंस में कई बार पढ़ा हुआ है। अकॉर्डिंग टू सालमन, स्टेट एज एन एसोसिएशन ऑफ ह्यूमन बींग एस्टेब्लिश्ड फॉर द अटेनमेंट ऑफ सर्टेन एंड्स बाय सर्टेन मीन्स। द स्टेट इज अ सोसाइटी ऑफ मेन एस्टेब्लिश्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड जस्टिस विद इन अ डेफिनेट टेरिटरी बाय वे ऑफ फोर्स। यानी कि सालमन का कहना ये था कि राज्य या राजनीतिक समाज मनुष्यों का एक ऐसा संगठन है जो निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। यहाँ पर ये बात हमको बहुत इम्पॉर्टेंट, इसको हमको याद करना बहुत ज़रूरी है कि जो ये क्यों बनाया गया है, फॉर द अटेनमेंट ऑफ सर्टेन एंड्स बाय सर्टेन मीन्स, निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। अब यहाँ पर निश्चित उद्देश्यों से सालमन का जो इंटेंशन है वो दूसरे राज्यों के आक्रमण से रक्षा करना और अपना जो भी पीपल है, अपनी जो भी पॉपुलेशन या पब्लिक है, उनके बीच में इंटरनली पीस को बनाए रखना, यानी कि फॉर एस्टेब्लिशमेंट द एस्टेब्लिशमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड जस्टिस विद इन अ डेफिनेट टेरिटरी एंड बाय वे ऑफ फोर्स। तो यानी कि यहाँ पर सालमन ने इस तरीके से स्टेट को डिफाइन किया है। अब हम बात करते हैं हॉलैंड। तो अकॉर्डिंग टू हॉलैंड, अ स्टेट इज अ न्यूमरस असेंबलीज ऑफ ह्यूमन बींग जनरली ऑक्यूपाइंग अ सर्टेन टेरिटरी अमंगस्ट होम द विल ऑफ द मेजोरिटी और ऑफ एन असर्टेनेबल क्लास ऑफ पर्सन इज बाय द स्ट्रेंथ ऑफ सच मेजोरिटी और क्लास मेड टू प्रिवेल अगेंस्ट एनी ऑफ देयर मेंबर्स हु अपोजिट। यानी कि कहीं ना कहीं हॉलैंड का कहना ये था कि लोगों का एक असेंबलिंग है जो एक सर्टेन टेरिटरी पर भी रहते हैं, और उन लोगों में से कहीं ना कहीं ऐसे भी लोग हैं जो कि अपोजिशन में भी होते हैं, बट उसके बाद में भी बहुसंख्यकों का एक विशिष्ट वर्ग हो और जहाँ पर लोगों की इच्छा का जो प्राबल्य है बहुमत के कारण उन लोगों पर हो जो उनके विरोधी हों। ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा एक तरीके से देखा जाए तो स्टेट की सही बताई गई, क्योंकि यहाँ पर मेनली जो चार चीज़ें जो हम बाद में स्टेट के एलिमेंट पढ़ेंगे वो चारों ही चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। लेकिन इसके बाद में हॉलैंड की डेफिनेशन से भी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जो बताई जाती है स्टेट की, वो गार्नर की है, क्योंकि उन्होंने इसको बहुत और अच्छे से इसी तरीके से एक्सप्लेन किया है। अकॉर्डिंग टू गार्नर, स्टेट एज ए कम्युनिटी और पर्सन मोर और लेस न्यूमरस परमानेंटली ऑक्यूपाइंग ए डेफिनेट पोर्शन ऑफ टेरिटरी इंडिपेंडेंट और नियरली सो ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल एंड पजेसिंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट टू विच द ग्रेट बॉडी ऑफ इनहेबिटेंट्स रेंडर्स हैबिचुअल इंसिडेंट। यानी कि न्यूनाधिक बहुसंख्यक मनुष्यों का एक ऐसा समुदाय राज्य कहलाता है जो स्थायी रूप से एक निश्चित भूखंड पर निवास करता हो, जो बाहरी नियंत्रण से पूरी तरीके से मुक्त हो, जिसकी एक सुसंगठित सरकार हो और जिस सरकार के आदेशों का वहाँ रहने वाले बहुत सारे निवासी सहज रूप से पालन करते हों, तो वो स्टेट कहलाता है। तो यहाँ पर इट मींस गार्नर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्लियर हो गया कि कहीं ना कहीं नंबर एक तो स्टेट में लोगों का एसोसिएशन होना ज़रूरी है, देन वो किसी पर्टिकुलर एक टेरिटरी पर रहते हों और किसी भी तरह के वो बाहरी नियंत्रण से पूरी तरीके से फ्री हों, उनकी एक गवर्नमेंट हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग विलिंगली गवर्नमेंट की बात को ओबे करें। तो इसका मतलब यहाँ पर ये क्लियर होता है कि जो स्टेट है वो कुछ पॉलिटिकल एंड्स को फुलफिल करने के लिए, कुछ राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए
बनी हुई है और लोगों के वेलफेयर के लिए बनी हुई है। स्टेट की इन सभी डेफिनेशन को जानने के बाद में अब हम बात करते हैं एलिमेंट ऑफ अ स्टेट की। बट उससे पहले हमें क्या क्लियर हो गया, दैट स्टेट इज़ नथिंग बट अ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ इट्स मेंबर एंड प्रोटेक्टिंग देयर इंटरेस्ट बाय द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। यानी कि स्टेट क्या है, एक का ये पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी है जो कि मेंबर्स की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करती है और सभी मेंबर्स के इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन करती है, पीस को मेंटेन करती है और न्याय प्रशासन को सुचारू रूप से चलाती है जिससे कि राज्य में रहने वाले लोगों का वेलफेयर हो सके। एंड देयर आर सर्टेन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट एंड दीज आर पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। नाउ वी विल डिस्कस दीज ऑल एलिमेंट्स वन बाय वन। तो नंबर वन पर जब हम बात करते हैं पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन क्या है, दिस इज़ द फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ स्टेट, पहला एसेंशियल एलिमेंट है। लेकिन पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए, परमानेंट होनी चाहिए। और स्टेट तो पॉपुलेस यानी कि पीपल के बिना हो ही नहीं सकती। और पीपल से मीनिंग क्या है, एन एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल ऑफ बोथ सेक्सेस हु लिव टुगेदर एज ए कम्युनिटी। मतलब जहाँ पर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, हम कह सकते हैं ना रूप, रंग, जाति, किसी भी आधार पर जहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो और किसी भी तरीके से कोई डिफरेंसेस जहाँ पर ना किए जाएं, तो सारे लोगों की एक जो एसोसिएशन है वो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन में आ जाती है। और उस पॉपुलेशन के बिना स्टेट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। लेकिन कितने कम से कम नंबर हों स्टेट के लिए, तो ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं बताया गया है। सेकेंड हम बात करते हैं टेरिटरी की। टेरिटरी इज़ द सेकेंड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ स्टेट। और यहाँ पर ये टेरिटरी से हमारा मेनली मीनिंग क्या आ जाता है कि एरिया की बात यहाँ पर की गई है। तो यानी कि राज्य के लिए एक निश्चित भूभाग का होना आवश्यक है। और ये भूभाग कैसा होना चाहिए, टेरिटरी कैसी होनी चाहिए, जिस पर लोग परमानेंटली रह रहे हों। तो यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। और इस टेरिटरी के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे हम भूमि की बात करें, नदियों की बात करें, झील, समुद्र या उनके किनारे या दूर दूर तक का सारा भाग इसमें शामिल आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, मतलब जितना भी हम बात कर सकते हैं कि चाहे वो हम कह सकते हैं ना कि जो हम बोलते हैं ना वायुमंडल हो, चाहे हम पानी से रिलेटेड जितना भी उसका एरिया हो, चाहे हमारा भूमि के ऊपर का जितना पोर्शन है वायुमंडल, सारी चीज़ें उसकी टेरिटरी में इंक्लूड हो जाती हैं। थर्ड हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की। द स्टेट मस्ट हैव सम ऑर्गेनाइजेशन टू विल्ड अथॉरिटी ओवर इट्स पीपल। अब स्टेट की जब हमने बात तो कर दी है, लेकिन राज्य के अस्तित्व के लिए गवर्नमेंट का होना ज़रूरी है ना। तो कहीं ना कहीं कुछ अथॉरिटीज़ होनी चाहिए और इन्हीं अथॉरिटीज़ को ही इसी ऑर्गेनाइजेशन को ही गवर्नमेंट कहा गया है। स्टेट अपने सारे जितनी भी बिल है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के थ्रू ही उसको पूरा करवाती है। जो पब्लिक वेलफेयर के जितने काम हैं वो कहीं ना कहीं इस गवर्नमेंट के थ्रू ही स्टेट के सारे काम जो होते हैं वो फुलफिल होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं दैट गवर्नमेंट इज़ अ चेन बिटवीन स्टेट एंड पीपल। और जब हम गवर्नमेंट की बात आती है तो देर आर थ्री ऑर्गन, नेमली द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, जिसमें से लेजिस्लेचर का काम होता है स्टेट के बिल को फॉर्मुलेट करना यानी कि लॉ मेकिंग फंक्शन का, एग्जीक्यूटिव का काम होता है इन जो लॉज जो बनाए गए हैं इनको इन्फोर्स कराना, इनको इम्प्लीमेंट कराना, और जुडिशरी का काम ये होता है कि इन बनाए गए लॉ के अकॉर्डिंग लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करना, यानी कि जो भी केसेस जुडिशरी के सामने आते हैं तो डिस्प्यूट को सॉल्व करते हुए और जो भी हमारे देश में लॉ चले बन रहे हैं उनके अकॉर्डिंग ही लोगों को जजमेंट प्रोवाइड करना। तो
तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि देयर कैन नॉट बी अ स्टेट विदाउट अ गवर्नमेंट, बिना सरकार के तो राज्य का कोई मतलब ही नहीं आ जाता। अंडर गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए? ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसकी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोग विलिंगली ओबे करें, मतलब जिसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना फेथ रखें, इस तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए। फोर्थ एसेंशियल एलिमेंट जो स्टेट का है, दैट इज़ द सॉवरेनिटी। तो सॉवरेनिटी मीन्स द सुप्रीम पावर, यानी कि सर्वोच्च शक्ति, जिसको कि हम संप्रभु शक्ति भी कहते हैं। और संप्रभु शक्ति का मतलब जिसके ऊपर कोई कंट्रोल ना हो। इट मीन्स स्टेट में सवरन पावर का होना जरूरी है। एंड सवरन पावर मीनिंग कि पूरी तरीके से फ्रीडम हो, ना तो कोई भी एक्स्ट्रा कंट्रोल हो, मतलब एक्सटर्नली भी कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए, और इंटरनली भी किसी भी चीज़ से बाइंडिंग नहीं होना चाहिए। यानी कि स्टेट अपने डिसीज़न लेने के लिए पूरी तरीके से फ्री हो, और वो जब किसी के बाउंडेशन में ना हो तो वो सिस्टमैटिक तरीके से रूल्स, रेगुलेशंस, लॉ, सारी चीज़ों को बना सकेगी, और उसी से लोगों का तब वेलफेयर हो सकेगा। तो सॉवरेनिटी बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है स्टेट के एलिमेंट में। अब यहाँ पर हमने जब स्टेट के एलिमेंट को भी जान लिया है, तो हम यहाँ पर अब देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से पर्पज़ हैं जिनको स्टेट परफॉर्म करती है। तो फॉलोइंग आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पज़ परफॉर्म बाय द स्टेट, जैसे कि हम बात करते हैं पब्लिक वेलफेयर, स्टेट पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है। स्टेट लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है। स्टेट सोशल वेलफेयर यानी कि सोसाइटी के वेलफेयर की बात करती है। जस्टिस को एस्टेब्लिश करती है, क्योंकि हमने क्या कहा, स्टेट लॉ बना रही है और उसी लॉ के थ्रू ही लोगों को जस्टिस मिल रहा है। इकोनॉमिक वेलफेयर भी स्टेट करती है, और जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी निर्धन लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए भी इकोनॉमिक लेवल पर कुछ ना कुछ ऐसे जो कार्यक्रम या कुछ ना कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ करती है जिससे कि सभी लोगों को बेनिफिट हो सके। एंड पॉलिटिकल वेलफेयर, राजनीतिक रूप से इस तरह के काम किए जाते हैं कि जिससे कि एक लोगों की पसंद की सरकार बने और लोगों के वेलफेयर की बात हो सके। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात और आती है, लेकिन वो हमें पर्पस से क्लियर हो गई है कि स्टेट की नेसेसिटी क्यों है। तो जैसे हमने ऑलरेडी कहा कि ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल, तो कहीं ना कहीं इन्हीं ह्यूमन बीइंग से मिलकर के एक क्या बना हुआ है, एक हमारा नेचुरल इंस्टीट्यूशन बना है, दैट इज स्टेट। स्टेट इज़ अ सोशल नेसेसिटी, क्योंकि हमने ऑलरेडी कहा था कि कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मनुष्य आपस में इकट्ठे हुए हैं, उनकी कुछ नेसेसिटीज़ हैं, तो जब वो एक साथ इकट्ठे हुए हैं तो उन्हीं के एसोसिएशन को स्टेट कहा जाता है। देन स्टेट क्या करती है, वो पीस सिक्योरिटी को पूरी तरीके से सिक्योर करती है, हम सभी की सेफ्टी की बात करती है, हमें इक्वलिटी की बात करती है, इस तरह के वो लॉज वगैरह बनाती है। तो कहीं ना कहीं स्टेट का होना, स्टेट बहुत ज़रूरी है। एंड देन स्टेट प्रोवाइड एडिक्वेट सेफगार्ड टू पीपल्स, लोगों के सेफगार्ड के बारे में बात करती है। एंड स्टेट डिफेंस टू इट्स पीपल अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन, ये स्टेट का मेन प्राइमरी फंक्शन भी है कि बाहरी आक्रमण से देश में रहने वाले लोगों की रक्षा भी स्टेट करती है। एंड स्टेट प्रोवाइड जस्टिस टू पीपल, स्टेट लोगों को न्याय प्राप्त करवाती है। तो यहाँ पर आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक, जिसमें हमने स्टेट की डेफिनेशन की बात की एंड स्टेट के एसेंशियल एलिमेंट को समझा, नेसेसिटी ऑफ अ स्टेट के बारे में जाना, पर्पस के बारे में जाना, ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। स्टेट की ओरिजिन एंड स्टेट के फंक्शन मैं अपने आगे आने वाली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। थैंक यू सो मच।